गुड मॉर्निंग, नमस्ते एवरीवन, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जय हिंद। सीरियल मेंस में बहुत ही कम समय बचा है, और जैसा कि हम आपको बोलेंगे, सिर्फ आपके साथ नहीं, हर एक के साथ हर एग्जाम में होता है। एग्जाम से कुछ दिन पहले ऐसा लगता है, ओ माय गॉड, हम तो सब कुछ भूल गए। मेरी तो मेमोरी ही चली गई है ना, मतलब गजनी वाला हो जाता, मेमोरी लॉस, एमनेसिया। बट ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छा करोगे, टेंशन नहीं लो। ये लास्ट का टाइम ना, बस सही रिसोर्सेस और सही चीजें करने पे डिपेंड करता है पूरा आपका स्कोर कैसा होगा। ठीक है, अगर आप मेरे को नहीं जानते, तो मेरा नाम आर्यन कुमार है, और मेरा सिलेक्शन सीजीएल 2020 के थ्रू फर्स्ट अटेम्प्ट में एज एन ऑडिटर इन सीएजी हुआ है। और हम आपको एक चीज बताते हैं, आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैथ्स में मेरे को कभी किसी एग्जाम में दिक्कत नहीं हुआ। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि जब भी एग्जाम होता था ना, तो उसे कुछ दिन पहले तक, मतलब जैसे मान लो मेरा 10 तारीख को एग्जाम है, तो एक हफ्ता 6 दिन पहले तक हम ऐसी चीजें कर लेते थे जिससे मेरा माइंड मेरे को ये बोलता था, भाई तू तो मैथ्स का प्रो है, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल प्रो है। और क्योंकि कॉन्फिडेंस इतना हाई रहता था, तो एग्जाम में ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म करते थे। ठीक है, सीजीएल 2020 में मेरे 187.5 थे, सीजीएल 2021 में 197.5, और टीयर वन मैथ्स में 5 बार 50/50 आई स्कोर इन सीजीएसएल सीपीओ सब मिलाकर। ठीक है, ये सब चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम आपको बोल दिए ताकि आप इन सब चीजों पे, समझ रहे हो ना, वो क्या बोलते हैं, आप रिलाई कर पाओ, रिलायबल आप समझ पाओ सोर्सेस को। चलिए अब बात नहीं करते हैं। अब आप देखो, अराउंड 9 डेज बचा है, तो हम लोग एक प्लान किए हैं आपके लिए, आप सबके लिए, और अगर आप इन सब चीजों को कर लेते हो, तो आई कैन एश्योर यू, गारंटी यू, बिकॉज यू नो आई टोल्ड यू हाउ मेरे मार्क्स, आप समझ ही रहे हो। तो ये सब चीजें हम खुद अप्लाई किए थे एग्जाम से पहले, एंड दिस थिंग्स वर्क। तो ये सब चीज अगर आप करते हो, तो बहुत अच्छा करोगे मैथ्स में। ठीक है, लेकिन एक बात हम एकदम स्पष्ट कहना चाहते हैं, ठीक है, प्लीज बुरा मानने की कोई बात नहीं, एक हार्ड एंड ट्रू फैक्ट है कि अगर आपका मैथ्स 50-60% आप स्टूडेंट हो, मतलब अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो जो ऑन एन एवरेज 12-13 सवाल कर पाता है 25 क्वेश्चन में 13-14, तो यार इट्स वेरी इम्पॉसिबल, इट बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी मतलब डिफिकल्ट, कि स्ट्रेनियस होगा कि आप इतने कम टाइम में इतना ज्यादा स्कोर कर पाओ। बट वो बच्चे जो 70-80% स्कोर कर लेते हैं आराम से, मैथ्स का बेसिक्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर है, तो वो अगर ये सब चीजें करते हैं, तो आप आराम से 90-95% तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। ओके जी, चलो देख, पहले कंप्लीट मैथ्स, अच्छा मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो बस इतना कर लीजिए, बिल्कुल सही बात है, आप देखना, आप पूरा पढ़ना, पूरा सुनना, समझ में आ जाएगा आपको प्लानिंग पूरा। कंप्लीट मैथ्स रिविजन चैप्टर वाइज, देखिए मेरा बात समझिए, अभी आपका एग्जाम है, और जैसा हम आपको बोले, एमनेशिया हो जाता है गजनी वाला कि भाई सब तो भूल गए, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले अपने माइंड को हम लोग को ये सिखाना पड़ेगा, उसको जबरदस्ती बताना पड़ेगा कि बेटा तू कुछ नहीं भूला है, तेरे को सब पता है, क्योंकि तू तो ऑलरेडी इतना दिन से पढ़ रहा था। कैसे बताएंगे? तो हम लोग उसको बताएंगे इस तरह से कि हम लोग कंप्लीट मैथ्स का रिविजन करेंगे चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वन डे में ये टास्क आपका खत्म हो जाएगा। तो टेक्स्ट बुक पे जो सीरियल का टैब, एक ही टैब है, वहीं से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उसमें जो सेकंड लास्ट, हमें रीडिंग के वक्त सब लगा देंगे, उसमें जो सेकंड लास्ट होगा ना, उस टैब के अंदर जो सेकंड लास्ट वाला जो टैब होगा, उसमें आप देखना लिखा होगा PYCT, मतलब प्रीवियस ईयर चैप्टर टेस्ट। टोटल 16 मॉक्स है, और पर एक मॉक में 10 क्वेश्चन PYQ के अच्छे, मतलब ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा इजी, एकदम मॉडरेट और एकदम PYQ बेस्ड, PYQ क्वेश्चन है, ये करना है आपको 16 मॉक्स। सबसे पहले आप ये करोगे, इसको करने से क्या होगा, जैसे ही आप ये 16 मॉक्स कंप्लीट करोगे ना चैप्टर वाइज, आप देखना, तो आपका माइंड ये चीज पहली बात अपने आप में समझेगा कि भाई हम भूले नहीं है, मेरे को आता है, उतना नहीं आता बट ठीक है, चलो थोड़ा तो आता है। ठीक है, चलो ये फर्स्ट थिंग हो गया, और ये सब चीजें हम हर बार मेन से पहले किए, सच बोल रहे हैं आपको, 2020 में भी, 2021 में भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो आप कर लिए, ये फर्स्ट स्टेप से क्या हुआ, माइंड बोला कि नहीं यार चलो, अब माइंड को एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, नहीं हाँ अच्छा कर पा रहे, और आप अच्छा करोगे अगर आप प्रिपरेशन किए हो, तो ये सब मौका आराम से आप कर लोगे, 9-10 क्वेश्चन है ना, 8-9 तो आराम से बना दोगे, और 10 भी बना सकते हो। नेक्स्ट, अब चैप्टर वाइज तो हो गया, अब माइंड को ये सिखाना है कि बेटा तुम सिर्फ चैप्टर वाइज नहीं, तो मिसलेनियस, यानी कि जो एग्जाम में आएगा क्वेश्चंस हैपजर्ड जैसे भी तैसे, वो भी कर सकता है। कैसे करोगे? तो देखो, अगर डायरेक्टली मैथ्स का PYQ बोलेंगे ना, तो उसमें क्या होता है ना, बहुत स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी इतने दिन से PYQ सॉल्व कर ही रहे हैं, तो उनको डेटा याद हो गया होगा, मेरे को तो भाई डेटा याद हो जाता है, क्वेश्चन देखते पट से मार देते, तो मजा नहीं आता फिर सॉल्व करने में। तो एक बहुत अच्छा मेरे को टैब दिखा था, टेक्स्ट बुक में ही है ये,
सेक्शनल टेस्ट विथ शॉर्ट ट्रिक्स हम लगा देंगे, आप देखना। तो ये टैब भी उसी में मिलेगा आपको, सेकंड में मिलेगा सीरियल के अंदर, सेक्शनल टेस्ट विथ शॉर्ट ट्रिक्स। टोटल 5 मॉक्स है, 25 क्वेश्चन एकदम एग्जाम। क्या किया है पता है इसमें, जो PYQs होते हैं ना टियर 1 के, उसका बस डेटा चेंज कर दिया है। तो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा फॉर रिवीजन। तो आप ये 5 मॉक्स दोगे टेस्ट विथ शॉर्ट ट्रिक्स वाले से निकाल के, तो यहाँ से आपका क्या होगा, सबसे पहले देखो आप क्या किए, चैप्टर वाइज रिवीजन कर लिए, आपका माइंड चैप्टर वाइज प्रिपेयर हो गया। फिर माइंड थोड़ा डर रहा था कि भाई क्या हम मिसलेनियस सॉल्व कर पाएंगे पूरा एक साथ, तो चलो वो भी दे दिए उसको कि 5 मार्क्स ले बेटा तू ये भी कर ले, और लेवल बहुत अच्छा है, ज्यादा हार्ड ज्यादा इजी, एकदम PYQ बेस्ड। तो ये आप 5 मार्क्स करोगे, इससे बस ये दो स्टेप किए ना फर्स्ट एंड टू, अब आपका मैथ्स मुट्ठी में आ जाएगा, मुट्ठी मतलब एक रिविजन आ जाएगा, और जो कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ रहा है वो आ जाएगा। और हाँ एक चीज तो हम बोलना ही भूल गए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज इस वीडियो में, कि प्रैक्टिस ओनली PYQs नथिंग एल्स। ये जो आखिरी समय है इसमें आप कोई भी फुल मार्क मत दो, अगर चाहते हो हम आपको बोल रहे हैं, आप सोच रहे हो क्या फुल मार्क क्यों नहीं दे, अरे फुल मार्क का लेवल किसको पता है कि कैसा लेवल ऑफ क्वेश्चन आएगा, वी कैन ओनली रिलाय ऑन PYQs नॉट एनी अदर सोर्स, बिकॉज वी डोंट नो, इवन दे आल्सो डोंट नो ना द लेवल ऑफ पेपर। और हम आपको एक बात बताते हैं, आप देख रहे हो ना स्कोर 187 197, हम आज तक PYQ छोड़कर मैथ्स में कोई चीज प्रैक्टिस नहीं की, कुछ भी नहीं, ओनली PYQs, चाहे वो 20 का मेंस हो चाहे वो 21 का मेंस हो, और मेरे को तो इतना दिक्कत नहीं हुआ, तो अगर हम कर सकते तो आप भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, अब ये दो चीजें से तो रिवीजन हो गया, अब अपन को तो भाई थोड़ा टॉपर भी तो बनना है, यानी फुल स्कोर भी तो लाना है। फुल स्कोर लाने के लिए आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा, वो है मेंस के प्रीवियस ईयर के मॉक्स। ये आप डेली वन दोगे प्लस एक एनालिसिस, तो 2 घंटा का मॉक होता है, 2 घंटा या 1.5 घंटा एनालिसिस, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू एनालिसिस। डियर इसमें आपको एनालिसिस बहुत अच्छे से करनी है, जो भी सम ज्यादा टाइम लगा, सॉल्यूशन आपको नहीं पता उसको सीखना है, जहां भी टीचर डाउट्स ग्रुप जो भी है इसको क्लियर करना है आपको, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उल्टा चलेंगे हम लोग, 21 का एक मॉक, 20 का 2 मॉक है, और 19 में 3, 15 नवंबर 16 नवंबर 18 नवंबर, ये 6 टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है 6 दिनों में। और अगर आप रोज एक करते हो तो हम इसको सर्कल कर दिए हैं, बट आई विल प्रिफर कि आप ये भी 2018 के भी तीनों 11 12 13 सितंबर के भी लगा लेना। तो कितना 9 मॉक्स हो जाएगा इनटू 100 900 क्वेश्चंस। बस अब यू आर रेडी फॉर दी वार, तो अब आप वार के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हो, इतना कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो पहले यहां था ना वो इतना ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो यू विल बी लाइक बहुत ज्यादा कंसीटेड मत होना, यानी कंसीटेड पता है ना, एक्सेसिव प्राउड मत होना, एरोगेंट मत होना, बट बी हाँ प्राउड हो जाना कि हाँ चलो अब मेरे को मैथ्स में भाई कॉन्फिडेंस है, अब हम अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और हम आपको एक चीज बताते हैं, जब भी मेरा मेंस का एग्जाम होता था ना, चाहे वो 20 का या फिर 21 का, इतना अच्छा स्कोर पता है क्यों हुआ, क्योंकि हम क्या करते थे पता है, साल भर क्या किए नहीं किए डजंट मैटर, कितना प्रैक्टिस किए नहीं किए, क्या सोर्सेस, कुछ मैटर नहीं करता। लेकिन जब एग्जाम से 6-7 दिन पहले होते थे ना, तो हम ये चीज पक्का करते थे, मेंस प्रीवियस ईयर मॉक्स, रोज का एक मॉक हमको देना ही था, मतलब एग्जाम से पहले। अब आप बोलोगे तो किया हुआ है तो क्या फायदा, अरे बहुत फायदा है, हम आपको बोल रहे हैं इतना कि आपको हम क्या बोले, हम कैसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ इन मेंस के पेपर पे ही रिलाई करके गए थे, चाहे वो 2020 का मेंस हो चाहे वो 2021 का मेंस हो, और आप स्कोर्स देख रहे हो, और इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस दैट आई वाज एबल टू स्कोर दिस मच। क्यों, हम आपको पहले भी बोले थे कि हम 1 घंटा में ही 80 सवाल कर लिए थे 2021 में, तो आप स्पीड देखो, जब 1 घंटा में 80 सवाल हो गए तो बचा कितना भाई, 20 क्वेश्चन इन 1 आवर, 3 मिनट्स मिला मेरे को एक क्वेश्चन के लिए, हम बहुत आराम से सोते हुए ऐसे करके लास्ट का बनाए थे, 19 करेक्ट हुए थे, 1 सिली मिस्टेक हो गया ठीक हो गया। तो यही चीजें हैं, ये सब चीजें मतलब एक टोटली एक्सपेरिमेंटेड है, ट्राइड है, ऐसे ही नहीं बोल रहे हम, जो चीज हम खुद करते हैं और जो चीज जिससे रिजल्ट मिला है मेरे को वही चीज हम आपको बता रहे हैं। चलो तो 3 चीज जल्दी से करें, क्या क्या बोले हम आपको, पहला चैप्टर वाइज रिवीजन, दूसरा मिसलेनियस रिवीजन सेक्शनल टेस्ट, तीसरा मेंस के पेपर, ये तो डेली देना है, ये तो मान लो कल एग्जाम है तो आज भी देना, मतलब एक दिन पहले भी देना, ये तो रामबाण, इससे तो बेस्ट कुछ है ही नहीं। अब आते हैं 4 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को ना एडवांस मैथ्स में बहुत दिक्कत है,
बहुत ज्यादा दिक्कत है, हमको पता है आप सब शायद सबको ना होगा कि हम कैरेटी बोलते हैं मैथ्स में, जिसको दिक्कत है उसको एडवांस मैथ्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अरिथमेटिक तो एक बार बच्चा अच्छा से पढ़ ले, परसेंटेज रेशियो तो पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसमें याद करने में कभी कुछ नहीं है, लेकिन एडवांस मैथ्स में है, फॉर्मूलाज है, कंसेप्ट है, बहुत कुछ है। तो एडवांस मैथ्स के लिए आपको रिविजन करना पड़ेगा सारे चैप्टर्स का, चाहे वो ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, नंबर सिस्टम हो। कहां से करोगे? किसी भी टीचर से पढ़े होगे, नोट्स वोट्स कुछ तो होगा, अपना सेल्फ स्टडी भी किए होगे तो कुछ तो नोट्स होगा। उस नोट्स को एक बार देखोगे आप, नोट्स को प्लस चैप्टर मार्क्स दोगे हर एक चैप्टर का, एक एक दो दो तीन तीन करके, ठीक है। अगर आपको एडवांस में से बहुत ज्यादा दिक्कत है, कभी पढ़े नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो मेरा भी बहुत सारा क्लासेस पढ़ा है एलजेब्रा की, तो कंप्लीट 10 क्लासेस आई हैव टॉट, आई हैव अपलोडेड फॉर फ्री ऑन यूट्यूब। अलजेब्रा का टोटल 10 क्लासेस आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप सर्च करना अलजेब्रा बाय एरी, उसमें 10 क्लासेस ऐसे है ना ऐप से उठा के डाल दिया हम फ्री में, इतना अच्छा से 10 क्लास में पढ़ाया, आप सिर्फ 10 क्लास कर लोगे पूरा अलजेब्रा खत्म। सेम इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री के भी 2 या 3 या 4 क्लासेस हम डाले हैं, अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा, आप पढ़ना, आपको मजा आया, समझ आया, तो आप बोलना बाकी का क्लासेस भी आप वाले डाल देंगे, कोई इशू नहीं। इस तरह नंबर सिस्टम के भी, ज्योमेट्री के भी क्लासेस, ठीक है, आप देखना एक बार, क्योंकि मेरा जो पढ़ाया हुआ ना बहुत हमको कंसाइज वे में पढ़ा है, मेरे बच्चे जानते हैं स्टूडेंट्स की जो भैया है बहुत ही कंसाइज वे में पढ़ाते हैं, हम कभी भी उतना ज्यादा नहीं पढ़ाते, मेरे 20-20, 30-30, 40-40 वीडियोस नहीं है, कोई भी चैप्टर होगा 10 या 12 लेक्चर ही है, और बहुत ही शॉर्ट में एकदम टू द पॉइंट पढ़ाया है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इन अ नट्स है, ठीक है, ओके, ठीक है। और ये सब चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, दिस आर नॉट नेव ग्रीन हॉर्न या फिर ये नोविस नहीं है, दिस थिंग्स आर वेरी वेटरन स्ट्रेटजी है। क्यों? क्योंकि आई हैव ऑलरेडी गिवन सीजन 2 times, ठीक है, तो ये बहुत ही अप्लाइड, टेस्टेड एंड जो कि फ्रूटफुल है, वैसा स्ट्रेटजी हम आपको बताया। अब आता है इस वीडियो का सबसे खतरनाक चीज, ठीक है, उससे पहले एक और बात हम आपको बोल रहे हैं, अगर आप कोई भी बुक से मैथ्स प्रैक्टिस करते हो, ये बुक है, बेस्ट बुक है ऑफ एसएससी, बट बाबू अब इसको प्लीज बाय बाय टाटा, टाइम बहुत कम है, कोई बुक से प्रैक्टिस नहीं करोगे आप, कोई बुक से नहीं, आई रिपीट, सिर्फ ऑनलाइन सोर्सेज और मॉक से प्रैक्टिस करोगे और कहीं से नहीं। बुक्स वगैरह को प्लीज हटा दो, हार्ड कॉपीज नहीं, आई इसको सेट करना होगा ऑनलाइन, कैसे हमको स्क्रीन में करना है, ठीक है, समझ गए आप, ओके। अब आता है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो शायद आपको दिल खुश हो जाए, ठीक है, तो इमेंट का थोड़ा, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मेरे तरफ से एक गिफ्ट है सभी एस्पायरेंट्स को, जिस तरह इंग्लिश वाले वीडियो में मैं आपको एक गिफ्ट दिया और आप लोग उसको बहुत पसंद किए, वर्ड पावर मेड इजी वाली पीडीएफ जो है जिसमें सारा रूट वर्ड्स, बहुत प्यार दिए आप लोग, थैंक यू सो मच, और आई एम वेरी ग्लैड इट हेल्प्ड यू, इट इज हेल्पिंग यू टू रिवाइज। आज हम आपको ऐसा ही एक गिफ्ट देते हैं मैथ्स में, तो वो गिफ्ट ये है कि इस वीडियो के अपलोड होते ही टेलीग्राम चैनल पे आई विल अपलोड अ पीडीएफ ऑफ ज्योमेट्री। मेरा 2 साल का मेहनत है ये पीडीएफ, ठीक है, तो ज्योमेट्री में ऐसा चीज है ना जो बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, कहां से करें, कैसे करें, समझ नहीं आता। आई एम टेलिंग यू, मेरे टोटल 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ऑफ ज्योमेट्री, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, ये पूरा मेरे खुद से डिजाइन है, बहुत मेहनत लगा इसको बनाने में, जब हम पढ़ा रहे थे ना ऑफलाइन पढ़ाते थे, इंस्टीट्यूट वगैरह मेरा सेंटर था, तब हम इसको बनाए थे, बहुत मेहनत लगा इसको बनाने के पीछे। टोटल इसमें 50 कॉन्सेप्ट्स है ज्योमेट्री के, विद एक्सप्लेनेशन एंड वेरी वेरी गुड नोट्स, हमारे स्टूडेंट का ही नोट्स है वो, तो ये पूरा पीडीएफ हम फ्रीली अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पे। अब यहाँ पे देखना सैंपल आ रहा होगा, इस 50 कॉन्सेप्ट्स को अगर आप कर लेते हो ज्योमेट्री में, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, आई एम टेलिंग यू ज्योमेट्री पूरा एकदम मुट्ठी में आ जाएगा। तो यही स्पेशल गिफ्ट था आप सबके लिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत जनों को बहुत दर्द देता है ज्योमेट्री, बट हाँ नहीं होगा दर्द, आप एक बार ये पीडीएफ को स्टडी कर लेना। और एक सरप्राइज है, सरप्राइज ये है कि ये जो पूरा 50 कॉन्सेप्ट्स है ना, ये तो मेरा पढ़ाया हुआ भी है आप पे, तो अगर आप इसका 2 क्लासेस है शायद यूट्यूब पे, 1 से 10 तक कॉन्सेप्ट्स कुछ, अगर आप उस वीडियो पे थोड़ा बोलोगे, प्यार दोगे, मतलब थोड़ा कमेंट करोगे, बोल देना कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, आप और डाल दो, तो हम सारा 50 कॉन्सेप्ट्स का वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर देंगे फॉर फ्री ऑन यूट्यूब, सिर्फ 7 to 6 या 8 क्लासेस में खत्म पूरा ज्योमेट्री। शॉकिंग ना, लेकिन है, और वाकई में हम आपको बोल रहे हैं, ये सारा कंटेंट वही बात, नॉट नोविस, इट्स वेटरन, बिकॉज आई हैव अप्लाइड ऑल दिस इन माय स्टडी, तो जो चीजें हम खुद से सीखे, खुद अप्लाई किए एग्जाम्स में, वही चीजों को बच्चों को सिखाते थे ऑफलाइन मोड में, ठीक है। तो बस इतना ही,
मेरे मेरे को जितना मेरा दिमाग है और जो चीजें हम अप्लाई करके मेरे को ऐसा रिजल्ट्स मिला है, हम वो सब चीजें परोस के रख दी आपके लिए। एंड आई कैन एश्योर यू कि अगर आप ये सारी चीजें अच्छे से फॉलो करके करते जाते हो तो मैथ्स में 30 है ना, 28 तो आराम से ले आओगे। ठीक है, प्रोवाइडेड जो शुरू में बोले थे बेसिक्स क्लियर होना चाहिए, सब पहले से पढ़ते आए हो, आज जग के आए हो और बोलते हो मेंस क्रैक करना है, ऐसा नहीं, पहले से पढ़ रहे थे, थोड़ा बहुत भी चल रहा था तो क्लियर है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको कोई और भी मैथ्स का चैप्टर में कोई डाउट है तो आप उस चैप्टर का नाम लिख के बाय एरी करके सर्च कर लेना, तो आपको उसका लेक्चर मिल जाएगा, बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। बस इस सब चीजों को अप्लाई करिए और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा, ये PDF हम अपलोड कर देंगे वीडियो अपलोड होते ही। इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना काफी है, कल फिर मिलते हैं चाय के साथ, किसी को कोई डाउट हो तो कह देना, फिर से मुक्का लात होगी। बाय, जय हिंद।